तो आज हम जानने वाले हैं केपलर सेकेंड लॉ के बारे में। इससे पहले हमने केपलर फर्स्ट लॉ के बारे में जान लिया था। अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं केपलर सेकेंड लॉ के बारे में। ये सेकेंड लॉ हमको क्या बताता है? ये केपलर सेकेंड लॉ को हम लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। आइए देखते हैं ये केपलर सेकेंड लॉ क्या कहता है। द रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमको ये पता है कि ये जो अगर सन है, सन के चारों ओर जो प्लैनेट रिवॉल्व्स करते हैं, सन के चारों ओर जो प्लैनेट घूमते हैं वो क्या होते हैं? एक तो इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, और सन क्या होता है, ये इलेप्टिकल ऑर्बिट का एक फोकस में सिचुएटेड रहता है। तो ये लॉ क्या कहता है? इसमें जो दो वेक्टर है जो सन और प्लेनेट को जोड़ रहा है, पी और पी डैश, ये क्या है? बीच में इसका एरिया है। ये क्या है? एक छोटा सा एरिया है। तो इसमें ये लॉ हमको ये बताता है कि जो प्लेनेट इतना एरिया जितना टाइम में कवर करता है वो हमेशा उतना एरिया इक्वल टाइम में ही कवर करेगा। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो इसका एरिया 40 मीटर स्क्वायर है। कितना? 40 मीटर स्क्वायर। तो अगर प्लैनेट ये 40 मीटर स्क्वायर एरिया अगर वो 23 घंटा में पूरा करता है, कितना घंटा में? 23 घंटा में पूरा करता है। तो अगर एरिया, अगर मान लो यहाँ से इतना एरिया, ये जो एरिया है ये भी अगर 40 मीटर स्क्वायर है, तो इसको भी वो प्लैनेट 23 आवर में ही कंप्लीट करेगा। इसमें इक्वल एरिया एक इक्वल टाइम में ही कवर करेगा, ये सेकेंड लॉ कहता है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो प्लैनेट का जो एरियल वेलोसिटी होता है, एरियल वेलोसिटी वो क्या होता है? वो कॉन्स्टेंट होता है। ये प्लैनेट का एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। ये एरियल वेलोसिटी क्या होता है? ये कितना एरिया कितना टाइम में कवर करता है उसे हम एरियल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये हमेशा इक्वल एरिया एक इक्वल टाइम में ही कवर करता है, इसलिए इसका एरियल वेलोसिटी जो है वो क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है। केपलर सेकेंड लॉ को एक हम आसान सा भाषा में कह सकते हैं, अगर इसका डेफिनेशन हम बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं, इसका एक छोटा डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट। इसका एक हम छोटा सा और आसान सा डेफिनेशन लिख सकते हैं, द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट। इसमें ये सेकेंड लॉ में क्या कहता है? ये हमेशा जितना एरिया कितना टाइम में कवर कर रहा है वो दूसरा टाइम भी उतना एरिया उतना टाइम में ही कवर करेगा। सेकेंड लॉ हमको ये बताता है कि एक प्लैनेट का एरियल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होता है। आई होप आप ये केपलर सेकेंड लॉ अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आपको केपलर सेकेंड लॉ यानी कि लॉ ऑफ एरिया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।